में वार्ड 12 से बसपा प्रत्याशी माधुरी ने तूफानी जनसंपर्क किया। फिरोजाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर समाचार 24 की टीम वार्ड नंबर 12 में बसपा महिला पार्षद श्रीमती माधुरी प्रजापति और प्रत्याशी पति जयसिंह प्रजापति से चुनावी चर्चा की और वार्ड नंबर 12 की समस्या को लेकर विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। क्या कहा भाजपा पार्षद प्रत्याशी माधुरी प्रजापति के द्वारा, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सौराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 न्यूज। मैं हूं सौराज सिंह, फिरोजाबाद। जिस तरह से हमारे इसके समाचार 24 न्यूज की टीम पूरे शहर में, जिस तरह से प्रत्याशी, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हो या मेयर प्रत्याशी हो, हमारी टीम जगह जगह जाकर सर्वे कर रही है और देख रही है कि आखिर प्रत्याशी के विकास के मुद्दे क्या होंगे। वही वार्ड नंबर 12 में जलेश्वर वार्ड नंबर जो इस समय जो बसपा प्रत्याशी हैं, जिनका नाम है श्रीमती माधुरी प्रजापति, उनके पति का नाम है जय सिंह प्रजापति, जो कि बसपा ने टिकट का दावेदार बनाया है। क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे, मैं जानता हूं। वही साथ है उनके पति जय सिंह प्रजापति, माधुरी जी से बात करूंगा। माधुरी प्रजापति, सबसे पहले समाचार टोटी में आपका स्वागत है। मेरा नाम माधुरी प्रजापति और पति जय सिंह प्रजापति और मैं वार्ड नंबर 12 से ककरव कोटी जलेश्वर रोड फिरोजाबाद। अरे, चुनाव के मैदान में उतरी हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? अगर जनता आपको जिताती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? पानी की सुविधा, नाली की सुविधा, गड्ढे, सब कुछ, स्कूल जो सफाई, सब कुछ करूंगी मैं। अच्छा, आपने जनसंपर्क किया अपने पति के साथ, तो जनता का कैसा आशीर्वाद मिला और कैसा रुख मिल रहा है कि आपकी जीत हो जाएगी? मेरे को सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब, मुझे लगता है सबका आशीर्वाद मेरे को कामयाब होगा, यही वो है। अच्छा, बसपा ने आपको टिकट दी है, दावेदार बनाया है बसपा ने, तो उस पार्टी से क्या कहना चाहूंगी आप? मैं यही चाहती हूँ, सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, मेरी विजयी हो। अच्छा, पार्टी को धन्यवाद देती है जिसने टिकट दिया? हाँ जी, मैं पार्टी को धन्यवाद देती हूँ। तो ये थी पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 12 की, जो बसपा से टिकट की दावेदार है। वही उनके पति है जय सिंह प्रजापति, उनसे बात करूंगा, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे और क्या प्राथमिकता रहेगी। जी भैया, सबसे पहले समाचार 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आज जिस तरह से आपके साथ समर्थन में जुट गए लोग और आपको बसपा ने टिकट का दावेदार बनाया है, और दावेदार करते हुए अगर जनता आपको जिता देती है तो फिर क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे, और जनसंपर्क किया है, जनता का रुख कैसा देखने को मिला? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से होने वाले नगर निकाय के चुनावों में जो बहुजन समाज पार्टी ने हम लोगों पर टिकट दे के वार्ड नंबर 12 से फिरोजाबाद से जो पार्षद पद के लिए उम्मीदवार तय किया है, भरोसा जताया है, पार्टी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद बोलता हूं, एवं मेरे जितने भी सहयोगीगण हैं हमारे यहां से, उन सभी बसपाई नेताओं का मैं स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 12 की जनता होने वाले नगर निकाय के चुनावों में हम लोगों को आशीर्वाद भरपूर दे रही है, कोने कोने से आवाज़ आ रही है। इस बार चुनावों को लेकर जो जनता की प्राथमिकता है वो इस उद्देश्य से है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, और विकास की यदि बात की जाए तो सड़क, पानी, बिजली इत्यादि, ये सभी लोग पार्षद बनने के बाद वादा भी करते हैं, हालांकि कहीं कहीं वादे पूरे भी किए जाते हैं, कहीं कहीं टूट भी जाते हैं, तो वो बात का विषय है। लेकिन हमारा जो विषय है वो विषय यह है कि हम अपने वादे के मुताबिक, जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से वार्ड नंबर 12 की जनता आशीर्वाद के साथ हमें मतदान दे रही है, हमें फिरोजाबाद की सदन में पहुंचाने का जो कार्य कर रही है श्रीमती माधुरी प्रजापति को, जो फिरोजाबाद की सदस्यता उसकी झोली में डालने का जो कार्य कर रही है,
हम लोग उनके भरोसे और सम्मान को धरोहर के रूप में हम लोग रखने का कार्य करेंगे और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का कार्य करेंगे। आपने बसपा के समर्थकों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ में जनसंपर्क किया है वार्ड नंबर 12 में, तो जनता का कैसा उत्साह देखने को मिला और आगे 5 वर्षों में जीत जाती है तो क्या रणनीति रहेगी विकास परिवार? उत्साह की तो बात यह है कि जो भी प्रत्याशी होता है और उत्साह उन्हें हमेशा अपने प्रतिबद्ध लगता है और अभी कॉन्फिडेंस के साथ बात की जाए तो जनता का उत्साह स्नेह प्रेम प्यार हम लोगों को उमड़कर मिल रहा है और ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसमें हम लोगों की मेहनत ही नहीं, हमारी समस्त सहयोगी गणों की टीम जितने भी है, और मैं समझता हूँ कि एक नाम हो तो मैं गिनाऊं, तो उन सबकी मेहनत रंग ला रही है इसमें और जनता का भी आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और जनता भी मन बना चुकी है इस बार नगर निकाय के चुनाव में वार्ड नंबर 12 की धरती से कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजने का कार्य करेगी जो उनकी आवाज को, उनके दर्द को, उनके पीड़ा को समझते हुए उनके कांधे से कांधा मिलाकर और भरोसे को कायम रखते हुए उनके दिन रात हमेशा डोर टू डोर संपर्क में रहे, ऐसे व्यक्ति को चुनने में वो सकारात्मक लेगी। धन्यवाद। ये थे वार्ड नंबर के पार्षद प्रत्याशी, बसपा पार्षद प्रत्याशी जय सिंह प्रजापति, उनकी जो धर्मपत्नी है उनसे भी मैंने बात की, माधुरी प्रजापति से, उन्होंने बताया कि विकास के जो मुद्दे हैं उनको पिछले 5 वर्षों में जो अधूरे पड़े हैं उनको पूर्ण कराऊंगी, और उन्हीं के पार्षद पति जय सिंह प्रजापति से मेरी खास मुलाकात की, उन्होंने साफ तौर बताया कि जनता का पूरा रुख देखने को मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और इस बार अगर जनता नगर निगम में मुझे पार्षद पति बना के अगर भेजते हैं तो मैं जनता के लिए सभी मुद्दों पर खड़े उतरूंगा। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार 24 सौरा सिंह फिरोजाबाद।